इस फिल्म के सभी किरदार काल्पनिक हैं, किसी भी तरह की समानता एक बड़ा संयोग है। इस फिल्म का कोई भी किरदार अपने पूरे समुदाय का प्रतिनिधि नहीं है, उसके विचार सिर्फ उसके किरदार के विचार हैं। हम सभी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं और इस कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, साथ ही किसी भी समुदाय, संस्था या संगठन को बदनाम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। लगी जाए धक से बड़े बड़े लोगन के महला दो महला हमरे गरीबन के झुग्गी झोपड़िया आंधी आए गिर जाए धड़ से बड़े बड़े लोगन के हलवा पराठा बड़े बड़े लोगन के हलवा पराठा और मिनरल वाटर अलग से हमरे गरीबन के चटनी और रोटी पानी पिए बालू वाला नल से बड़े बड़े लोगन की स्कूल कॉलेज बड़े बड़े लोगन के स्कूल कॉलेज और भैया ट्यूशन अलग से हमरे बच्चवन के जिम्मे मजूरी हमरे बच्चवन के जिम्मे मजूरी काते हैं का हुई पढ़ के a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. But I didn't really know that it had any kind of anthemic quality or anything, said Dylan to Scorsese. Early in his career, he refused the... रामचंद्र जी भगवान जब अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते के सभी गांव में दिए जलाए थे सर उनके स्वागत के लिए, परंतु एक गांव में अंधेरा था। माई कहती थी, प्रभु रामचंद्र जी ने इस बात को नोटिस किया सर। गाड़ी रुकवाई, उतरे और गांव वालों से पूछा कि भैया अंधेरा क्यों है, वाई डार्कनेस? तो गांव वालों ने कहा कि हमने भी दिए जलाए थे आपके स्वागत में, अचानक एक आंधी आई और सारे दिए बुझ गए। फिर हमने देखा कि हमारे अंधेरे से आपका महल और भी ज़्यादा चमक रहा है, तो हमने अपने गाँव में अंधेरा ही रहने दिया सर। Countryside India is so beautiful, Aditi. Delhi ki sari oxygen yahi aa gayi hai shayad. I'm glad you like it.
अरे चंद्रमान रुकना एक मिनट, यहाँ से पानी की बोतल उठा लो। सर ये पासियों का गांव है सर। मतलब? छोटी जात है सर, शेड्यूल कास्ट, सुअर पालते हैं। हम इनके हाथ का पानी नहीं पीते, टच भी अलाउड नहीं है सर, परछाई तक अलाउड नहीं है। शैडो सर। निहाल सिंह ले आओ। फनी प्लेस, मेरा ड्राइवर बोल रहा है कि शैडो भी अलाउड नहीं है इन लोगों के, शेड्यूल कास्ट गांव। फनी क्या है, बर्तन तो हमारी मॉम्स भी अलग ही रखती थी मेट्स के कुछ साल पहले तक। And they're looking at me like Britishers वापस आ गए। That's right in a way. Welcome to page 7 India, Mr. Mountbatten. हाँ हाँ, page 7 India भी होगा बाबा, पर उतना नहीं जितना तुम्हें लगता है। लो, फिर शुरू हो गया। यहाँ से राइट जाएंगे तो सर अयोध्या, सीधे चले गए तो लखनऊ, और कहीं लेफ्ट मुड़ गए सर तो हाईवे से सीधे कलकत्ता। काफी डेवलपमेंट चल रहे हैं, कोई मॉल वॉल बन रहा है क्या? नहीं सर, महंत जी का आश्रम है, एकदम मल्टीप्लेक्स आश्रम है सर। सर्कल ऑफिसर ब्रह्मदत्त सर, इनफैक्ट ब्रह्मदत्त सिंह सर। सर सॉरी सर, किशन जाटो सर। यस सर। राजेश मिश्रा सर, बहुत याद हो सर। ये निहाल सिंह की स्मॉल सिस्टर है सर, खाना बहुत बढ़िया बनाती है। इफ यू डोंट माइंड सर, आपकी सेवा नियुक्त कर दिए हैं सर। ये सर यादव है और ये हम। नमस्कार सर, वेलकम टू लालगांव। ये अंशु नारी है सर, आप सम्मानित कॉन्ट्रैक्टर हैं। आपके टॉयलेट में कुछ रिपेयरिंग का काम था, हमने कहा नया लगवा लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ के काफ़ी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट यही संभालते हैं, रेलवे रोडवेज। बहुत बढ़िया बढ़िया शौचालय बनवाए हैं अंशु भैया ने पिछले साल भर में। इनफैक्ट सर, एसपी साहब ने आपके स्वागत में आयोजन रखा है शाम में, आप फ्रेश हो जाइए सर। बोल रहे थे जाने से पहले आप बाकी सब लोगों से मिल भी लेंगे। इनफैक्ट शेर अर्ज किया है कि ये नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा थाना लालगांव लंदन से कम नहीं। निहाल सिंह हमारी पार्टी। जी सर। सर बैंक यूरोपी। हाय। आपके सिंगल मॉड का आइडिया यही दिए थे सर, आपका फेसबुक देखकर, इंस्टाग्राम देखे। वही वही, आइए सर आइए। कम कम बहनों और भाइयों, हमारे और आपके बीच में आ चुके हैं हमारे नए अपर 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 पुलिस अधीक्षक श्री आयान रंजन 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 रंजन। तालियां। तो अर्ज किया है कि चांद निकला है जमाने के बाद, मजा आ गया है आपके आने के बाद। आई एम अ फैन ऑफ हिज बुक। थैंक यू। आपके पिताजी राइटर हैं सर। वेरी सीनियर IFS ऑफिसर, रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने किताब दी। कमाल अजान, आपकी पढ़ाई तो बाहर ही हुई होगी। नो सर, ग्रेजुएशन हैपन इन दिल्ली सेंट स्टीवंस, और यूरोप गया था, फिर डैड ने बुला लिया कि बहुत हो गया तेरा, सो आई वाज बैक। और फर्स्ट पोस्टिंग लालगांव सर। पनिशमेंट मिली है। पनिशमेंट? कोई झगड़ा कर लिया था क्या? नहीं सर, प्यार मोहब्बत में हो गया। एक्चुअली शास्त्री जी को कूल सर बोल दिया था। मदनलाल शास्त्री सेक्रेटरी साहब दिल्ली, शास्त्री जी को कूल सर का बोल दिया। सो एक्चुअली पासिंग आउट सेरेमनी थी, उन्होंने कुछ कहा, मैंने बोला कूल सर। फिर वो क्या बोले? दो सेकंड रुके, फिर कहा तो ये
₹20 हमारे बच्चू राय की तरफ से हमारे गायक कलाकार अमित जी के लिए। तो धन्यवाद स्वरूप एक शेर कहा है। मुझे शुक्ला जी का कहना है, बेहतरीन खाना बनाते हैं सर। सुबोध जी के रेजिडेंस से तो कभी खाना आया ही नहीं। वो सामने आपका ऑफिस सर। ये सत्येंद्र राय। सत्येंद्र राय सर, आप जानते हैं इनको? ऑफ कोर्स, ये दिल्ली में अच्छा दोस्त था मेरा, फिल्म की तैयारी साथ में की थी। आईएएस भी दिए हैं ये, यहाँ तो जोनल ऑफिसर हैं सर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। बुलाएं क्या? चलिए। सत्येंद्र, पहचान रहे हो कि नहीं? पीने की पार्टी की मात्रा पी रहे हो भाई? पहचान लिया ना सर। बधाई हो अडिशनल साहब। कैसे तू? तुम ही से पूछ रहे हैं भाई। हम आते हैं सर। ये लगता है ज्यादा पी लिया है आज। अच्छा दोस्त था मेरा। अरे ये लोग फिर आ गए। सुनिए सर, शास्त्री जी से कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये जगह तो बॉलीवुड की 80s की फिल्म है। एक दो दिन को पता चल गया। अच्छा यान, अब मैं निकलता हूँ। सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, ठीक है? अब सब आपके हवाले। I'll do my best, sir. Thank you, sir. All the best, all the best. साहब का ख्याल रखें। ओह, रामदा जी। कौन है? अरे पास के गांव के लोग हैं सर, जानवरों का चमड़ा निकाल के भाई साहब की फैक्ट्री में बेचते सर। प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, इनका रोज का ही है। इनफैक्ट 2 दिन से बोल रहे हैं 3 लड़कियां गायब हैं गांव से। पर लेकिन पूछताछ चल रही है सर। इनका ऐसा ही होता है सर, लड़कियां भाग जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं। कौन सा थाना इनका? यही है सर। नहीं नहीं सर, रणदीप हमारी प्लेट से मत लीजिए, हम आपके लिए दूसरा लेके आते हैं। अरे साहब के लिए बंगाली ला फ्रेश। सॉरी। अरे ये सत्येंद्र राय। ओके। नहीं मैं ठीक, मैं छोड़ देता हूँ। बाइक भी नहीं चलाई कब से। अरे चाटक जी देखिए, अरे आप चंद्रभान जी को बोलिए ना। चंद्रभान जी जी क्या कर रहे हैं सर, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। निकलिए जरा, साथ जाइए जरा, जाइए जरा। मैंने तो हम भी बहुत किए थे भैया, अच्छा हो गया बे। हमको पता था तुम साला क्लियर कर लोगे। कैसी है अभी भी फिरंगी बुलाती है? बुलाती नहीं है, मानती जरूर है। अच्छा काम कर रही है। जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स पर आर्टिकल छपते रहते हैं उसके। बात होती रहती है। बात होती रहती है, इसका क्या मतलब है भैया? यार आजकल हम बात कम और बहस ज्यादा करते हैं। वो अभी भी मुझे कॉलेज वाला बॉयफ्रेंड समझती है। सुनो तुम है ना, अदिति को जाने मत देना। ऐसी लड़की एक ही मिलती है लाइफ में भैया। ये लो। नमस्ते भाभी।
मैं आयान। नमस्ते भैया। अरे जान रही है तुमको। अर्चना तुमको आ गई आवाज? आइए भैया अंदर आइए। नहीं अगली बार मिलता हूँ तेरे को। सुनो बेटा, अबे गले तो मिले ही नहीं अब। अरे सॉरी सर, आपको सुबह सुबह उठा दिए। इनफैक्ट कल भी आप देर से ही सोए होंगे। पिक्चर्स ले ली हैं सर? ये वही लड़के हैं जिनके घर लोग आए हुए थे? जी सर, दो दिन पहले की तो बात है, 12 तारीख से। कजन थी दोनों लड़कियां, तीसरी भी इनकी फ्रेंड ही थी इसी गांव से। इनफैक्ट गांव वाले बता रहे हैं कि दोनों में संबंध था समलैंगिक। दोनों के बाप मिलकर लटका दिए। बाप कहाँ है? गांव में है सर, पूछताछ चल रही है। बयान दिया किसी ने? नहीं सर, दे देंगे। तीसरी बच्ची है? हाँ सर, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। एम्बुलेंस बुला लीजिए सर, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, बाकी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। यार आराम से सर। क्या जटर जी, एक तो गाड़ी नहीं खोल पा रहे हैं आप। बॉडी ऊपर खींच के गर्दन वाला खोलने का ट्राई करते हैं। अरे आप बिना ऊपर खींचेंगे तो खोलेंगे कैसे? काटने का रस्सी, फिर गिर पड़ेगा फट से नीचे। फिजिक्स नहीं समझते हैं आप। क्या करें? और एक तो अभी भी मिसिंग है। It's like wild, wild west, yeah. Hello. You there? हाँ, वो पिछले हफ्ते भी राजस्थान में एक लड़की की बॉडी मिली थी, सीकर। रेप लग रहा था, बट कुछ लोग कह रहे थे ऑनर किलिंग है। ये भी दलित हैं क्या? हाँ। ये न्यूज़ ऊपर क्यों नहीं छपती जीडीपी हेडलाइंस के साथ? कौन छपती है? Remember Nirbhaya outrage? हाँ, पर लालगांव की क्यों नहीं छपती? सिकर की क्यों नहीं छपती फ्रंट पेज पे? Why should you decide about लालगांव? Investigation होगी तभी तो पता चलेगा ना। अब किसी को लगता है कि rape है, उस basis पे you can't just publish like that. There is a book of law. And does it care about justice? I can't be doing PhD on this, okay? और मैं तुमसे कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी सिस्टम की भाषा बोल रहे हो। I'm just doing my job. Honor killing नहीं होती क्या? मुझे लगा I can share it with you. नहीं तो तुम्हें मॉडरेशन समझ नहीं आती ना। तुम्हें एक्टिविस्ट भी चाहिए, लॉ भी चाहिए। तुम्हें एक हीरो चाहिए आदिति। हीरो नहीं चाहिए आयान, बस ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें। सर लंच रेजिडेंस से आएगा, वैसे लिट्टी चोखा मंगाया सर कैंटीन से आपके लिए।
प्रमोद और मिश्रा ब्रीफिंग के लिए आना चाहते थे। मयंक चंद्रवंशी जल्दी करिए। मयंक सर पंखा इतना शोर क्यों कर रहा? मैं कराता हूँ सर। एफ आई आर लिखी अब तक? सर केस इतना सीरियस लग नहीं रहा था सर। कब लगता सीरियस? इन लोगों के तो झूठे केसेस आते रहते हैं सर। अभी जनवरी में इनका एक लड़का भाग गया था घर से। इनके कहने पे हमने किडनैपिंग का एफआईआर लिखा था सर। पूरे महीने इन लोगों ने किन लोगों ने तीसरी लड़की की एफआईआर लिखो अभी। जी सर। प्रमोद और क्या नाम है उसका? मिश्रा सर। दोनों को अंदर भेजो। से बात करा। अवधेश बाबू तो मलेरिया हो गया। अच्छा पोस्टमार्टम तुम बनाओगे? नहीं वो उनके असिस्टेंट है ना डॉक्टर मलती राम। राम 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 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय हो। ला सर प्रभात समाचार वाले नवीन जी बैठे हैं। ठीक है जा साला पेड़ पर लटका के पोस्टर बना दिए मीडिया के लिए। आओ बेटा लो शाबाश लो। शाबाश ला शाबाश बच्चा। लिखिए ऑनर किलिंग है। दोनों कजन लड़कियां थी। अब बचपन में हो गया होगा कुछ संबंध। सनी लेवनी तो घर घर पहुंच ही गई है। इनफैक्ट बापों को पता चल गया बर्दाश्त हुआ नहीं लटका दिए। और सुनिए बयान नहीं दे रहे हैं सूत्रों से पूछ के बता रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? समझ गए। चलिए गांव में तो शांति है सर। इनफैक्ट कल पेपर में भी आ जाएगा ऑनर किलिंग है बताकर। पेपर वालों से बात किया आपने? नहीं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? आएगी सर। इनफैक्ट वो क्लियर ही है उसमें नया तो कुछ आना नहीं है। हम तो खुद नहीं चाहते सर देर हो। जितनी जल्दी अच्छा होगा। इनके नेता हैं सर शांति प्रसाद। आके धरने पे बैठ जाएंगे। सत्ता में रहते हैं तो अपना मूर्ति पे मूर्ति बनवाते रहते हैं और विपक्ष में रहते हैं तो एकदम दलित हो जाते हैं। जो रिपोर्ट आएगी बताइएगा मुझे। जी सर। हर हाल में तीसरी लड़की ढूंढ ली है। कौन लड़की सर? ऑफ कोर्स सर। यस हम आपको सॉरी सर। हरिमनपुर के अलावा वो पेड़ के आसपास कौन से गांव? दो तीन है सर। बिछिया छटनी। आदमी भेजो तीनों गांव में पूछताछ करो कुछ देखा उन्होंने। आप दोनों रेजिडेंस पे आके मिले मुझे सर। गाड़ी रुके यहाँ से जरा बात सुन लो। सत्येंद्र राय फोन नहीं उठा। घर जाके पूछो उससे क्या हुआ और रिपोर्ट करना मुझे। जी सर। साहब वो बड़ी वाली लड़की सानू वो हमारी बिटिया थी और छोटी वाली ममता महेंद्र की। साहब हमारी लड़कियों का हत्या हुआ है साहब और हम ही पे केस बना रहे हैं साहब। मुझे अफसोस है। होना भी चाहिए सर।
आपका क्या नाम है? गौरव। पूजा इसकी बहन है सर। पूजा को ढूंढ दीजिए साहब, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। घर में ग्लास नहीं है क्या? साहब, ये लोग आपके सामने ग्लास में पानी नहीं पिएंगे। साहब, हमारी लड़कियों को हाथ भर रख कर छोड़ देते तो भी ठीक था, मगर साहब पेड़ से लटका दिया। दो दिन से हमारी कोई सुन लेता साहब तो हमारी बच्ची बच जाती साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। अंशु नारिया थप्पड़ मारा था पूजा को, इसलिए ब्रह्मदत्त एफआईआर नहीं लिखने दिया हमें। शानू और पूजा सड़क बनाने में काम कर रही थी साहब। दिहाड़ी में 3 रुपए बढ़ाने को बोली थी वो लोग। कितने रुपए? 3 रुपए। दिन का 25 रुपए था, 28 मांग रही थी। गांव के सारे बच्चों ने तय किया था कि 28 के कम में काम नहीं करेंगे। फिर उसने मारा तो ये लोगों ने काम छोड़ दिया। वो चबरा फैक्ट्री में शुरू कर दिया काम, 28 रुपए रोज। और बाकी बच्चे 25 में काम करते रहे? उसके बाद 2-4 और बच्चों ने भी छोड़ दिया सर। सब सफेद दिखेगा। क्या हुआ? सर कुछ नहीं, वो लड़की गौरा हमारे स्कूल में पढ़ती थी। हरिमनपुर में पढ़े ना सर, क्लास 9 तक। सर हमारे पिताजी वहीं कार्यरत थे, इस कारण से जानते हैं। फिर भी आपने एफआईआर लिखी? वो सर कानपुर केस में टाइम नहीं मिल रहा था ना उस केस से, इस वजह से। और ब्रह्मदत्त जी ने कहा था कि लिखिए एफआईआर। अभी तो लिखिए सर। जाडा जी, इस तीसरी लड़की को ढूंढना जरूरी है। गौरव से एक एक डिटेल लो, फोन के रिकॉर्ड लो, चाचा मामा पड़ोसी सबके बयान लो, चमड़ा फैक्ट्री सुपरवाइजर के बात करो, 12 तारीख को कब निकली थी, किसके साथ थे पता करो, और अंशु नारिया 12 तारीख को कहाँ पर था, आई नीड टू फाइंड आउट एज सून एज पॉसिबल। वैसे सर कुछ लड़का लड़की वापस आ जाते हैं सर, और सच बताएं हम आप इनके लिए कुछ भी करें ना सर, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है ये लोग? जुपिटर से आए हैं? इनका ऐसा है, इनका वैसा है, कौन है ये लोग जो जाते हैं ऐसा लगता है वापस आ जाएंगे और खुद पेट पे लटक जाते हैं? नहीं सर, मैं कह रहा था कि गेट द फक आउट ऑफ हियर। क्या बोले? वो बोले गेट द फक आउट ऑफ हियर। हमको लगा गाली दी। नहीं, जाने के लिए बोले। चमड़ा फैक्ट्री चली है, रात हो रही है। Get back here. आजा बेटा, आजा। मेज पर। ठीक है भैया। भैया रात के लिए भिंडी बनाया परवल, वैसे पनीर भी बना सकते हैं। जो अच्छा बनाते हो बना दो। हम तो सभी अच्छा बनाते हैं। तुम निहाल सिंह की सगी बहन हो? जी। पढ़ाई नहीं की? 8 तक पढ़ी हूँ भैया, और अभी इंग्लिश भी सीख रही हूँ। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश बोल तो कैसे भी सकते हैं भैया, सिर्फ समझ आना चाहिए। और भैया ये अंशु ने हैया के घर से आपके लिए मटन भी आया है। परवल बना रहे भैया पराठों के साथ। हाँ निहाल सिंह। सर सत्यन जी तो घर पे नहीं है सर, मैडम है, बात करवा दूँ सर? कराओ। हेलो भाभी, ये कहाँ है सत्येंद्र? सुबह के निकले हुए हैं और तब से उनका फोन भी नहीं मिल रहा है। कुछ कह के गया? कुछ नहीं, बस सुबह 4 बजे उठे और गाड़ी लेके निकल गए। 12 बजे तो मैंने छोड़ा उसे, थोड़ी देर सोए थे, अचानक किसी का फोन आया और चले गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? साहब सतेंद्र के घर भेजे थे। तो
सुबह 4 बजे से घर नहीं लौटा है वो। अच्छा, कितना समय लगेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में? एडिशनल साहब डंडा दिए हुए हैं, कब आएगी रिपोर्ट? बस अभी हो जाएगा। लग नहीं रहा है कि बस अभी हो जाएगा। हो जाएगा सर। चलिए। डॉक्टर साहब, सीओ सर, श्री ब्रह्मदत्त सिंह जी। रिविजनल रिपोर्ट बना रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट में टाइम लगेगा। क्या लिखी है? रेप है, गैंग रेप है, कई दिन तक किया गया है, 2-3 दिन, फिर जिंदा लटका दिया गया। डॉक्टर, अब देर से बात हुई आपकी? हुई। तब? हम नहीं करेंगे वो चुके। आप भावुक हो रही हैं मालती जी। देखिए क्या कीजिए कि आप फेसबुक पे एक दो कविता लिख डालिए, सब निकल जाएगा, पर यहाँ राइटिंग मत कीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं। कमाल कर रही हैं आप। अब देश बाबू का फोन है। क्या देश बाबू, यहाँ तो नारी शक्ति आंदोलन चल रहा है भाई। अब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अपने मन से बनाइएगा। अरे जिला कैसे चलेगा देश बाबू? और ये रिपोर्ट एडिशनल साहब के पास पहुंच गया तो इनफैक्ट अभी मलेरिया हुआ है, फिर जॉन्डिस होगा और मरेंगे आप किसी अज्ञात कारण से। समझ रहा कि नहीं है? चलिए उठिए उठिए, बहुत हुआ मलेरिया। ये इसका कोटा प्रेम है सुखा सिंह जी। विक्टिम भी कोटे का विक्टिम है, डॉक्टर भी कोटे की डॉक्टर है, पर इनको डॉक्टरी पढ़ाते हैं हम अपना टैक्स के पैसे से। समझ लो कि नहीं। तुम लोगों को समझाए थे, फरार हो जाओ, 6-8 महीना में सब ठंडा हो जाएगा, केस बंद कर देंगे, ला उठाना। लेकिन तुम लोग तो अपना दिमाग लगाते हो ना। ठीक है, नयन से दूर कैला बलमु कैलू मैं कौन कसूर हूँ, नयन से दूर कैला बलमु। ये SC ST लोगों का क्या समस्या है मालूम है मेहंग? हम तो इंसाइडर हैं, 40 साल से देख रहे हैं। जैसे हम जैसे किसी को नौकरी मिला ना, बाकी सबको लगने लगता है ये हमारा अजय देवगन हो गया है। ये साला करेगा हमारी रक्षा। गौरव तो चढ़ी गई थी आप पे। ऐसी बस्ती में रहोगे जहाँ हगोगे वहीं खाओगे, वहीं जानवर छिले पड़े हैं, ऐसी जगह लड़की रहेंगी सुरक्षित? कैसे रहेंगी? इतिहास उठा के देख लो, कभी रही हैं? साला तुम अपना जीवन सुधारोगे नहीं, हम बन जाएं राजा राम मोहन राय अपना सब कुछ दांव पे लगा के। मैं तुमको पता है ना, हमने कितनी मुश्किल से अपनी पोजीशन बनाई है समाज में। जाटो जी, हम जान रहे हैं, हम तो देखे हैं ना सब सामने से। तुम लोगों के सामने हम झाड़ू लगाते थे। तुम सारा पुलिस पर हमला करेगा। बड़ा पुलिस हो गए आप, जाटो रह नहीं गए? हत्या हुई है तो हत्या करोगे? हत्या में हम विश्वास नहीं करते हैं, और आप हमारी हत्या नहीं करेंगे। बंदूक नीचे कर लीजिए, बिछिया गांव से चले जाइए, पास पड़ेगा, पुल चालू हो गया है। सर ये
प्रमोद जी ने भेजा है थाने से, कह रहे थे कि आपने पुराने फाइल्स मंगवाए। ये अंशु ने हरिया के कौन करीब है डिपार्टमेंट में? पैसे वाले हैं, एमएलए के खास हैं, तो सभी दोस्त हैं उनके। पिता भी राजनीति में थे, ताकतवर आदमी है सर। आपके पहले सुबोध लाल जी के भी खास ही थे वो। ब्रह्मदत्त के जी सर, चार्टअप के चार्ट वो तो शून्य है सर, जीरो, निष्क्रिय। सही काम अगर नहीं भी किया तो गलत काम नहीं करेंगे। मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। अच्छे जूते, अच्छी इंग्लिश, सारी दुनिया का ट्रैवल, ये शायद तुम नहीं हो यहाँ। डैड ने कहा तो आईपीएस ऑफिसर बन गए, मैं कह दूँ तो शायद एक्टिविस्ट बन जाओगे। तुम जो खुद हो तुम ढूंढना भी नहीं चाहते, खुद के पास नहीं हो तो मेरे पास क्या रहोगे? No, I am sorry. शायद तुम सही कह रही थी। I will do my best. सब के निहारी हम, केहू ता पुकारी अब। सब के निहारी हम, केहू ता पुकारी अब। ना जा बबुनी वापस आ जा बाबुल के द्वार, छूटल घर संसार, हो रामा बाबा जी धियावा निकाले। जैसे जर मछरी हो माई जे धियावा चोरावे, जैसे घी उगागरी हो। हम लोग चमड़ा फैक्ट्री से गुमशुदा लड़की के बारे में तफ्तीश करके लौट रहे थे, अचानक जूट का हक का गोला जीप नहीं लिखिए सड़क के दोनों तरफ से आग के गोले जीप पे आके गिरे और जीप ने आग पकड़ ली, तो हम तो कूद गए। मैम को भी हमने बोला भागो, हम बहुत चारों तरफ यहाँ वहाँ दौड़े, देखे कौन है सामान, माफी चाहते, हम बहुत ढूंढे, अंधेरा था तो कोई था नहीं वहाँ पे, दिखा नहीं। बहुत देर तक हम खेत में इधर उधर भागते रहे, टॉर्च नहीं था मेरे पास, मैंने अपना मोबाइल निकाला। जाटव जी, जूट का गोला अगर जला के फेंका गया तो वो लोग 10 कदम से ज्यादा दूर नहीं थे, कैसे नहीं देखा किसी को आपने? सर वो लोग मुंह पे फाटा बांधे हुए थे सर। फिर बंदूक है आपके पास? सर बंदूक उनके पास भी थी ना सर। गोली चलाई किसी ने? नहीं सर, गोली तो नहीं चली सर। क्यों नहीं चलाई गोली? झूठा पंचनामा बना रहे हैं आप। साइन कीजिए, साइन कीजिए, कीजिए। बात जो है हमारे ठीक सुनिए, और कुछ नहीं बस सर, निषाद बहुत अफरा, निषाद के आदमी थे सर, बीएसएस। निषाद कौन है? भीम संघर्ष सेना सर। वो लोग कह रहे थे कि गांव वालों से ननकू और महेंद्र के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश कर रही है पुलिस। और इस कोशिश में आप लोग किस तरफ के लिए बताइए मुझे। किस साइड है आप जाटू जी? जहाँ कहेंगे सर वहीं खड़े हैं।
बीएसएस सर निजात के लौंडे थे, लोकल नेता हैं सर, दलितों के रॉबिन हुड समझते हैं अपने आप को, पिछले साल जेल में थे, इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, जमानत पे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड रहते हैं। फाइल तो क्लोज कर सकते हैं सर, इनफैक्ट लड़कियों के बापों की रिमांड मिल गई, 7 दिन की पूछताछ की जाएगी और इसमें गांव के 4 लोगों की गवाही है कि लड़कियों के बाप पीटते थे लड़कियों को, इसी कारण से केस तो क्लोज है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आ जाएगी सर? बॉडीज दफन हो गई है। हाँ सर, दफन कर देंगे, लड़कियाँ माइनर थी इन लोगों में, तो शाम तक पहुँचा देता हूँ, केस क्लोज है सर। अंशु नहरिया कौन है? अंशु, अंशु से तो आप मिले हैं सर, वो जो बाथरूम बनाए थे। उसको ऑफिस में लेके आए, जरूरी बात करनी है। अंशु को ऑफिस मैटर में पूछ रहे हैं सर। जाने दीजिए सर, आप क्यों उतर रहे हैं सब? अंशु का नाम आएगा तो सीधे रामलाल नहरिया जी का नाम आएगा, सरकार उन्हीं की है सर। आपसे निवेदन है सर, संतुलन मत बिगाड़िए। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी साइन तो मैं नहीं करूंगा। वेल विशर हैं सर आपके, इसलिए निवेदन करते हैं सर। वेल विशर हैं सर आपके। सर देखिए, ये दलदल है सर, मत घुसिए सर, तब घुस जाएंगे, एक बार घुस जाएंगे तो निकलना नहीं आएगा सर, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, घुस के निकल नहीं पाएंगे सर। जाएंगे 2-4 महीना रह के चले जाएंगे, वो हमको तुमको यही रहना है, जिंदा समझ रहे हो कि नहीं? लाल निहारिया का नाम सुने हो कि नहीं? उनका नाम हो गया तो क्या होगा जानते हो? बहुत विश्वास पात्र बने हो ना, जाओ रोको उनको। कैसे रोके? वो बोलेगी तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। लाल साहब से बात की है क्या कभी? हम आपके पीछे रहे हैं जीवन भर, वो कहेंगे तो क्या मना कर दे? मना कर, आप कर दीजिए ना मना उन्हें। हरिमनपुर की तरफ मोड़ लो। माई कहा करती थी सर, समाज का एक ठो विधान होता है, राजा होता है, प्रजा होती है, सेवक होता है, दास होता है, इस सब का संतुलन है सर, एक ब्रह्मा जी ने बनाया है संस्कृत में। हमको कोई अधिकार नहीं है इस संतुलन को बिगाड़ने का। और सर, सब बराबर हो जाएंगे तो फिर राजा कौन बनेगा? सब बराबर हो जाएंगे तो फिर राजा कौन बनेगा? लेकिन राजा बनाना ही क्यों है? कौन कौन जानता निषाद को? माता दीन, शिशुपाल, लच्छा और दीनुदामा, गवाही दी इन लोगों ने। कौन है वो लोग? कल से नहीं लिखा चारों को।
हम जानते हैं निषाद को। मयंक और जाटव की जान जा सकती थी। मारने के लिए नहीं किया होगा वो। तुम भी उसके साथ काम करती हो? शादी करने वाला था हम लोग। मारने के लिए नहीं किया था तो क्यों किया था हमला? बैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है सर। उन्हें 29 में भगत सिंह ने कहा था। नागरिक शास्त्र हमने पढ़े हैं सर, कक्षा 9 तक। निषाद ने कुछ ज्यादा पढ़ लिया। पूजा को ढूंढना शुरू कर दिया हमने। पुलिस के पास फोटो तक भी नहीं है उसके सर। सॉरी सर, कल सुबह लड़के आ रहे ठीक करने। सत्येंद्र जी की वाइफ आ गई। पहले कभी किया ऐसा? नहीं, बहुत घबराहट हो रही है अब। आसपास कोई रिलेटिव या दोस्त? वो तो ज्यादा मिलते ही नहीं है किसी से। अंशु नहरिया सर? उठना बैठना तो है, कुछ काम के सिलसिले में भी आना जाना चलता रहता है। मैं भाभी जी का नंबर नोट करो। सुबह 4 बजे सत्येंद्र को किसका फोन आया था पता करो। उसके बाद किसको कॉल किया था उसका फोन टैप करो। लोकेशन चाहिए मुझे उसके। भाभी जी कब चाहिए? मैं फोन करता हूँ आपको। नमस्ते। नमस्ते। इनका भी फोन टैप करो। ये तो यहाँ की रोज की कहानी है सर। ब्रह्मदत्त जी गए हैं अस्पताल, वो संभाल लेते। इसी बहाने अस्पताल भी देख लूंगा और वहां के डॉक्टर भी। बच्चे को पोस्टमार्टम आपने किया? हाँ, पर रिपोर्ट डॉक्टर अवधेश बनाएंगे। हम छुट्टी जा रहे हैं। रेप था? गैंग रेप था सर। 2-3 दिन तक किया गया है। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अगर आप छुट्टी पे जाते हैं तो। हिम्मत है रुकने की? मैं हूँ आपके साथ। ऐसा कीजिए, आपकी प्रोविजनल रिपोर्ट बनाकर मुझे दे दीजिए। लड़कियों की रिपोर्ट अपने साथ रखिए और एक दो टेस्ट करने पड़ेंगे। कुछ नहीं होगा आपको। आए, आए माँ, आए रे, चुप, आए माँ, आए माँ, माँ चिल्ला रहे हैं। मंदिर में बैठ के खाना खाएंगे, हैं? हम लोग मंदिर में खाना नहीं खाते सर। आप सच्ची बोल रहे हैं सर, मंदिर में खाना नहीं खाते। किसी का नाम बताया इन्होंने? नहीं सर, होलिया बताया। राउंड अप करो सस्पेक्ट्स को। सर, क्या लिखो? नमाज चंद्रभान जी को डायबिटीज है। जी को जीभ भी जल। ये मंदिर का क्या इशू है? दलित एंटर नहीं कर सकते क्या? जी सर। किसने किया है? कोई आइडेंटिफाई हुआ? मान जी के आश्रम के लड़के हैं सर। कौन है मान जी? सर मान जी, मान जी है ऊंची जात के, ब्राह्मण है सर।
और जो लड़के हैं ये किस जाति के? ये शेड्यूल कास्ट है सर। ब्रह्मदत्त की क्या जाति है? ठाकुर है सर। अरे ठाकुर क्या होते हैं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं सर। तुम क्या हो? हम जाट हैं। पहले नॉर्मल थे, अब ओबीसी हैं। ओबीसी हो गया तुम्हारा? फिर आंदोलन क्या कर रहे हो? हम थोड़े आंदोलन कर रहे हैं, वो तो हरियाणा वाले कर रहे हैं ना सर। हरियाणा के जाट अभी भी नॉर्मल हैं सर। जाटव जी आप दलित हैं ना? जी सर। मतलब इन लड़कों की और आपकी सेम जाति है? नहीं 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 सर, मैं चमार हूँ, ये पासी हैं। हम लोग इनसे काफ़ी ऊपर आते हैं सर एस सी एस टी में। हमारा इनसे कोई लेना देना, इनका छुआ तो हम खाते भी नहीं है सर। जैसे मैं आपका छुआ नहीं खा सकता। जी सर। ठीक है, तुम क्या हो? मैं कायस्थ हूँ सर। कायस्थ क्या होते हैं सर? हम डिफरेंट होते हैं, हम लोग इन चार वर्णों में नहीं आते। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण हैं सर। मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं नहीं सर, वो कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। अब सर ही परी। What the fuck is going on here? ओके सर। सर एक सेकंड, सॉरी सर। अरे जाटव जी क्या हुआ, चले क्यों आए? अरे बोले ना जाओ यहाँ से। ये कब बोले? बोले ना फक। फक बोले तो जाना नहीं होता। चलिए आप। ये हरिमनपुर कितनी दूर है यहाँ से? उधर है सर, करीब 2 किलोमीटर। चमड़ा फैक्ट्री? सर इधर छटनी गांव के आगे करीब 5 किलोमीटर पड़ेगा सर यहाँ से। और ये क्या है? अरे नहीं सर, वो जाने दीजिए आप। में जितने जानवर मर जाते हैं ये लोग उनको यहाँ लाकर खाल निकाल कर बेचते हैं टैनरी में। वैसे सब ठीक रहता है पर सब हड़ताल में, वो लड़कों को मारा ना तो निसार ने सब एस सी एस टी को काम करने से रोक दिया है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है सर। मैं और तुम इन्हें दिखाई नहीं देते लेकिन इनकी जिंदगियां हमारे ऊपर ही टिकी हैं। जिन खेतों में इनका अनाज उगता है वहां मजदूरी तुम करते हो, इनका मैला तुम उठाते हो, इनके बच्चे तुम पैदा करते हो, इनकी लाशें तुम जलाते हो। इंसाफ की भीख मत मांगो, बहुत मांग चुके। बस जो भी काम तुम करते हो बंद कर दो। तुम्हें नहीं मिलेगी सर, 3 दिन हो गए। ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन किसान अपनी जमीन एक एक फुट पहचानता है। क्या लगता है आपको मिलेगी भी या नहीं? ढूंढना तो चाहिए सर। सर वो वहां टैनरी है, तो लड़कियां रोज वहां से निकलती थी और इस रास्ते घर को जाती थी। सर इसे सुअर ताल कहते हैं, बहुत गंदा है, एक टाइम पे बहुत सुअर पड़े रहते थे इसमें।
तीन थी तो सिर्फ दो को ही क्यों मारा? इसको पैदल पार किया जा सकता है? कहीं कहीं गहरा है और कहीं कहीं नहीं भी है सर, पर रात में इसमें घुसने का साहस मुश्किल है सर। उस पार क्या है? उस पार क्या है सर? इधर खेत है और उधर पूरा जंगल है सर। कितना बड़ा जंगल? 3-4 किलोमीटर है सर। वहां कैसे जाएंगे? जंगल में क्यों जाएंगे सर? वहां कैसे जाते हैं? नहीं जाते हैं सर। जादीन, जादीन! जादीन, जादीन! जादीन, जादीन! जादीन! ये कौन किया? सर आज आने वाला था जमादार, पर ये लोग हड़ताल पे चले गए और कूड़ा भी फेंक रहे हैं सर सरकारी दफ्तर के बाहर। जी सर, जी आ गए सर। जी देता हूँ सर। रामलाल जी स्वयं है सर। सर जी जरूर सर। फाइल क्लोज कर दे सर। चले गए टाइप फील हो रहा है फिर से। 3 रुपए में क्या मिलता है दीदी? हाँ? 3 रुपए में कुछ मिलता भी है क्या? क्या हुआ यार? 3 रुपए के लिए उन लड़कियों का रेप हो गया है, उनको मार दिया गया है। I'm listening. When I was growing up in all these countries, सब बोलते थे India, India, we would love to go there someday, and I was like, you must. खजुराहो ताजमहल ऐसे बेचता था जैसे मेरे बाप का हो। So proud of my country. Yeah. Are you not proud of me? Of course I am. Some things are so fucked up. There's a war going on here. Two ladkiyan mar gayi hain, gayab hai, kisi ko farak hi nahi pad raha. Jo log yahan par reh rahe hain, unko lag raha hai kisi aur desh mein ho raha hai. TV pe, drawing room mein, is market mein sab normal hai Aditi. Should I be proud of this too? It's messed up. And I will
will unmess it. Is that even a word? Unmess. नए वर्ड ढूंढने पड़ेंगे अदिति, नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि रायता बहुत पुराना है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्विषयता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। पीछे चमड़ा फैक्ट्री है ना, वहीं से आते थे तीनों। उस दिन वो लोग पापड़ी के लिए दुकान पे रुके थे, फिर चले गए। उसके बाद किसी और को जाते देखा उधर? खाली एक बस आई थी बाद में। कौन सी बस? पीली बस थी साहब। पीली बस किसकी चलती है? सर इधर बस कहाँ है? ब्राह्मण दल की एकता रैली में नया मैदान में भारी से भारी संख्या में एकत्रित हों और माननीय श्री महंत जी को और शांति प्रसाद जी को सुने कि वो आपसे अपनी एकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं। महंत जी अब एकता करवा रहे हैं सर, इसी रैली का विरोध कर रहे हैं निशांत। सर ये चुनाव तो शानू ममता और पूजा पर ही लड़ा जाएगा। हेलो, हाँ ठीक है ओके। सर ये सत्येंद्र राय को लास्ट फोन बच्चू राय ने किया था, एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान चलाता है वो। बुलाओ फौरन। ये है नया उत्तर प्रदेश जहाँ ब्राह्मण और दलित एक ही थाली में खाना खाते हैं। गांव का दुख थोड़ा कम हुआ जब महंत जी दलित नेता शांति प्रसाद के आमंत्रण पर हरिमनपुर आए और यहां की मृत लड़कियों के घर वालों को हौसला दिया और उनके साथ खाना खाए। बलात्कारी राज्य सरकार और रामलाल लहरिया के संरक्षण में पल रहे हैं और हमारी राज्य सरकार उनको गिरफ्तार करने के बजाय उन बच्चियों के पिताओं पर इल्जाम लगा रही है, ऐसे ऐसे घिनौरे इल्जाम लगा रही है क्योंकि वो हिंदू दलित के दलित विरोधी सरकार है। हिंदू संस्कृति को बचाना है, हिंदू धर्म को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है तो हमें एक होना होगा, दलित और ब्राह्मण को भी एक होना होगा। और उसकी शुरुआत आप सबके साथ अभी हो चुकी है। हमारा एका, हमारा एका जिंदाबाद। जाटव जी। सर कब तक क्लियर होगा ये? सर 2 घंटे से निकाल रहे हैं सर, जितना निकालते हैं गटर से उतना ही बाहर आता जाता है सर। ये अपने ऑफिस में कितने लोग हैं अभी सर? दफ्तर में कितने लोग काम करते हैं टोटल? सर लिपिक और सफाई कर्मचारी मिला के सर 20 हैं सर। धौलपुर थाने में
सर वहाँ करीब 13-14 होंगे सर। छटनी में वहाँ सर 20 के करीब होंगे सर। कल सुबह 6 बजे। जी सर। मुझे सुअर ताल में सब लोग चाहिए। जी सर। जो दलदल है, जंगल है, वहाँ पर घुसना पड़ेगा। हाँ। टैंडरी से लेकर हरिमनपुर तक एक एक कुछ छानना है। जी सर। अंशुनारिया आ गया है सर। आप लोगों का ट्रांसफर होता है सर, हम लोगों की हत्या हो जाती है सर। एक साइन ही करना है सर, सब मैनेज हो जाएगा। दिल्ली में क्या सभी फाइलें सही होती हैं? रामलाल लानिया जी अभी आपका फोन नंबर लिए हैं सर, फोन आता ही होगा। क्यों मारा था लड़कियों को? तनख्वाह बढ़ाने बोल रहे थे। तो मारा तुमने? पहले मना किया था। तुम्हारा क्यों? काम छोड़ के जा रही थी। तुम्हारा? ऐसे तो सब आएंगे और बोलेंगे बढ़ाने को और काम छोड़ के चले जाएंगे, फिर काम ही नहीं हो पाएगा ना सर। दूध का पैकेट घर में नहीं पहुंचेगा, नल खुद ही बनाना पड़ेगा, जूता खुद ही सिलना पड़ेगा। औकात में नहीं रखेंगे सर तो काम ही नहीं कर सकते। और औकात क्या है? जो हम देते हैं वही औकात है सर, जितना हमको मिलता है वो हमारी औकात है। औकात तो सभी की होती है ना सर। बारह तारीख की रात को कहाँ पे था? घर ही पे। 12, 13, 14 रोज घर ही पे रहता हूँ, बस दोस्तों का आना जाना लगा रहता है। दोस्त हमारे बहुत हैं हर जगह। इस लड़के का मेडिकल करना है। मेडिकल करा लेते, कल को जो रामलाल जी को बोलेगा हमने बहुत मारा पीटा तो क्या करेंगे ब्रह्मदत्त? संतुलन तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। आपको लखनऊ जाना पड़ेगा, डीएनए चेक कराना है लड़कियों के साथ, एक आदमी आपके साथ होगा, जाएंगे? जी सर। सिर्फ मुझे फोन करना। यादव जी किसी पत्रकार को जानते हैं जो रामलाल नेहरे के खिलाफ खबर लिख सके? यस सर। खबर लिख कीजिए, हमें अंशु नेहरे पे शक है। हेडलाइन में आना चाहिए कि अंशु रामलाल जी का खास आदमी है। कल सुबह हो पाएगा? हो जाएगा सर। अदिति एक न्यूज छपेगी कल लोकल अखबार में, प्लीज ट्राई करो कि ये कहां कहां छप सकती है। दिस डिजर्व्स टू बी ऑन द फ्रंट पेज। ठीक हो तुम? सर बच्चों रहे, आ जाओ। 4 बजे की कॉल किया था? पैसा लेना था सर। सर ये बोल रहा है गाड़ी ठीक कराने आता था सत्येंद्र, इसका कुछ पैसा उसमें बाकी था। तो सुबह सुबह 4 बजे फोन करेगा? सर बीवी बच्चा को सुबह 6 बजे की ट्रेन से लखनऊ जाना था, वो रात को देने को कहे थे पर दिए नहीं, तो इसीलिए हम सुबह फोन किए पर वो आई बहने की। नजर रखो इस पे सर। अंशुनगर पे सीसीटीवी होगा? लाल गांव में कहाँ सीसीटीवी सर, खाली बैंकों में है। क्या आसपास बैंक है? हाँ मैं देखता हूँ ना सर। है तो मुझे फुटेज चाहिए। प्लीज अमली बेटा चाय बना दो कड़क।
अमली, 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 त्रिपाठी, त्रिपाठी, जी सर, अमली कहाँ है? दो तीन घंटे हो गए सर, उस सामान लेने की थी, अभी आई नहीं। कहाँ जाती है सामान? सब्जी मंडी। यहाँ सब्जी मंडी। जी सर, फोन करो सर। फोन किया था सर, लेकिन उसने उठाया नहीं। इसने बताया क्यों नहीं मुझे अब तक? सर, हमें लगा कि अभी आ जाएगी। आ जाएगी तो बताए शहर में क्या हो रहा है? निहाल सिंह को फोन करो, शायद उससे बात हुई। निहाल सिंह को फोन करो अभी। चंद्रमान गाड़ी निकालो, अमली को ढूंढने जाना मंडी। सर सर, मैं देख आता हूँ, खुद जाऊंगा। कहाँ थी? सर, इसके परीक्षा का फार्म भरवाया ना, ओपन का, उसकी लास्ट डेट थी आज, तो वही फोटो खिंचवाने गया था। कोई नहीं आएगा? अपर कास्ट इसमें उतरने को बिल्कुल तैयार नहीं है सर, और SC ST वाले निषाद के कहने पर हड़ताल पे। हमने सोचा था गांव वाले आ जाएंगे, पर आप लोग शेड्यूल कास्ट है? नहीं सर, सर। मैं याद हूँ सर, हुक्म कीजिए। हुक्म की नहीं, मदद की जरूरत है, बहुत लोग लगेंगे। ये हड़ताल इमीजिएटली तोड़वानी पड़ेगी, निषाद से मिलना है मुझे। निषाद? निषाद तो अंडरग्राउंड है। कितना अंडरग्राउंड है? साल सर, हम ना 10-11 साल के थे, और जाटा जी का ना एक प्रेम पत्र प्रिंसिपल साहब तक पहुंच गया था। स्कूल चल रहा था और इनके पिताजी इनके पीछे संटी लेके दौड़ रहे थे। नहीं सर, तो सर आज भी याद है, जो कहते हो सर, वो षड्यंत्र हुआ था हमारे साथ। पर सर, क्या दलिया बनाते थे इनके पिताजी? मालती बोल रही हूँ सर, अंशु नहारिया ने रेप किया है, उसका सैंपल मैच हो गया है। हम रिपोर्ट लेके अभी अभी निकले हैं, बस सुबह तक पहुंचते हैं। मुझे अभी के भी व्हाट्सएप कर दो, लालगांव पहुंचते ही फोन करो मालती। चलिए बस अड्डे। जो भी पढ़ाया गया सब झूठ था, इसीलिए टूट गया ये स्कूल शहर। आदेश सर, लोगों को काम पे भेज दो। निषाद, पूजा को ढूंढने के लिए लोग चाहिए। पूजा को ढूंढने की क्या जरूरत है सर, उसका भी कोई माए बाप ढूंढ लीजिए और प्रूफ कर दीजिए। निषाद, चाची हलवा भेजिए तुम्हारे लिए, परसों जन्मदिन था इसका। क्या हीरा लड़का था सर, अगर इसके 100 में से 90 आ जाए ना, तो सबको लगता था पेपर ही गलत चेक हुआ है। निषाद का कम नंबर कैसे आ सकता है? हीरा लड़का था तो आप कहाँ इतनी लड़ाई करनी पड़ रही है मैम, क्योंकि बहुत नेगेटिव हो गए, और जब तुम नेगेटिव हो जाते तो क्या तुम पे भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता? निषाद, हर चीज का ना तरीका होता है। जाटा जी को देख लो सर, इनके पिताजी ना हमारे स्कूल में झाड़ू लगाते थे और हमारे पिताजी पढ़ाते थे, आज हम दोनों बराबर हैं।
सेम पे स्केल, तो ये भी तो बनाया ना अपनी जगह, तो 70 साल में कुछ नहीं बदला? बदला है, हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं कि जनगण मन में हमारी भी गिनती हो जाए। तुम ना ज्यादा पढ़ लिख लियो गुरु, और हम कत्ती बातें आते नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हर कम्युनिटी की ना अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है निषाद। गौरा की नौकरी लगी थी मिड डे मील बनाने की, पहले ही दिन बच्चों ने उसके हाथ का खाना खाने से मना कर दिया, 150 बच्चों का खाना फेंक दिया गया। कभी तुम्हारे हाथ का खाना फेंका है कोई, या अपना हाथ धोया है तुमसे हाथ मिलाने के बाद? प्रॉब्लम हर कम्युनिटी की होती है मयंक, लेकिन मंदिर में घुसने की वजह से हड्डियां तुम्हारी नहीं तोड़ी जाती। शांति प्रसाद महंत को बुलाए रहे, गांव वालों के साथ बैठ के खाना खिलाया खाते, पर महंत खाना भी घर से लाए रहे और बर्तन भी, ये सब टीवी पर नहीं बताया। ये शांति प्रसाद कुछ नहीं करते तुम्हारे लिए? करते थे सर, इसलिए तो जाके उनके पैरों में बैठ गया था इतने साल, पर धीरे धीरे समझ में आया कि पावर की अलग ही जात होती है। पहले हमारे कंधों पे चढ़ के ऊपर पहुंचे हैं, अब हमें जूता मिट्टी जैसा कुछ समझते हैं। निकल आया और लड़ने लगा। पिछले साल शांति प्रसाद के लोगों ने हमला किया था, गुरुजी का रिटर्न गिफ्ट है ये रैली, हमारी वोटों के डील के लिए हो रही है, और मैं ये होने नहीं दूंगा। निशाद, मैं वो सब कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, मतलब जितना मुझे समझ आ रहा है। हारूंगा जीतूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारी मदद नहीं मिली, आपकी चलने ही नहीं देंगे सर। ये उस किताब की नहीं चलने देता जिसकी ये शपथ लेते हैं। यही तो लड़ाई है निषाद, उस किताब की चलानी पड़ेगी, उसी से चलेगा देश। यही कहकर गए थे ना बाबा साहब, और बाबा साहब ये भी कह के गए थे कि अगर संविधान का मिसयूज हुआ तो मैं पहला आदमी हूंगा जो इस किताब को जला दूंगा। वहां पूजा की चप्पल मिली है निषाद, और उसको मैं ढूंढ कर रहूंगा। रैली का विरोध तो नहीं रुकेगा सर, लेकिन आपके लोग काम पे आ जाएंगे। कचरा फैला है चारों तरफ, सही कुछ गंदा खाली होगी, जानवरों को समझ में कहा आता। आप इंजेक्शन लगाइए, चलिए। जाटव जी, अंशु को अरेस्ट करने निकलना तुरंत। सुखा जी, मयंक, वारंट लेकर आओ। दो मिनट में चलिए। इफ यू डोंट माइंड सर, लखनऊ से ऐसा समाचार आ रहा है कि ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। अच्छा तो अच्छा ही है सर, आपका पिंड भी छूटेगा, इनफैक्ट वही सब मैनेज करेंगे। फॉर्म रेडी है सर, इससे पहले हम भी थोड़ा मैनेज कर लें। घर पे नहीं है सर, एक कमरे की तलाशी लो। वो तो निकल लिया सर। ये क्या है? स्कूल है सर, विद्यालय। किसका? अंशु ने आ रिया।
चलिए। छुट्टियां चल रही हैं सर, 15 दिन बाद खुलेगा। उधर इसकी चाबी कहाँ? भैया जी के पास। किसके पास है चाबी? अंशु भैया के पास। ताला तोड़वाइए। सर। देखें देखें, रामलाल जी तो बहुत बड़ा आए होंगे। छोड़ेंगे नहीं, सस्पेंड से नहीं मानेंगे, अरेस्ट करवाएंगे साले को। बात हुई तुम्हारी? नहीं, फोन बंद आ रहा है। सीबीआई आ गई ना अब तो? हाँ, सीबीआई तो आ ही जाएगी। हो गया ना? पराठे बन रहे। गेहूं कमाल का हुआ इस बार। मानने की क्या जरूरत थी अंशू? हफ्ता 10 दिन रख के छोड़ दिए होते कर्मजलियों को। ढेर क्रांतिकारी बन रही थी। देखा नहीं कैसे फड़फड़ा रही थी जब ब्रह्मदत्त जी चढ़े थे? हमारे सामने बोल रहा है हम चढ़े थे। छोड़ तो हमको अरेस्ट करेंगे ना तो हम कहाँ जाएंगे? फाइल तो क्लोज करना ही है ना। तुमको छोड़ चुके हैं बे, तुम समझे ही नहीं रहे हो।
हैं सर, बन कर जी आए हैं सीबीआई से। मैं पूछ रहा हूं सर। डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर अवधेश लटकिया। ओके डॉक्टर अवधेश, मालती कितनी टाइम से आपके असिस्टेंट हैं? सर वो असिस्टेंट नहीं है, शी इज नॉट एन असिस्टेंट। मतलब? मतलब असिस्टेंट है, शी इज एन असिस्टेंट बट शी इज ए कंप्लीट डॉक्टर। और सब कुछ मैं ही करता हूँ सर, आई डू एवरीथिंग। आप हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी? सॉरी सर। उसको डबल टाइप करना पड़ता है। सर सर, अंशुल आर्या को अरेस्ट करने गए थे सर, फार्म हाउस में छुपा बैठा था, फायर कर दिया हम पे। आप सही कहते सर, अच्छा आदमी नहीं था। कैसे हैं आप मिस्टर रंजन? आई एम ओके सर। आपके आते ही काफी कयास हो गया इधर। यस सर। और आपको तो आदत भी नहीं इंडियन सभ्यता की विषमता का। मोस्टली बुकिश सर, आई एम स्टिल लर्निंग। आपके हिंदी कंफर्टेबल नहीं? इट्स फाइन सर। नहीं आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं, दैट्स ओके, आई कैन फॉलो इट इन इंग्लिश। बट समटाइम्स इन हिंदी बेल्ट अच्छा होता है अगर लोकल लैंग्वेज में सहज हो तो, लोकल सभ्यता बेहतर समझ में आते हैं। सर वो लड़की अभी भी मिसिंग है सर, एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है, और मेन अक्यूज मारा गया है। आप क्या दवाइयों पर हैं? सॉरी सर। और यू ऑन एनी मेडिसिन? नो सर, आई एम नॉट। आप काफी रेस्टलेस लगते हैं। सर छोटी बच्चियों का रेप हुआ है। रेप हुआ? ऐसा क्यों लगता है? सर टू बिगिन विद द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज इट। बट उस डॉक्टर की फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीनियर डॉक्टर के रिपोर्ट में रेप नहीं था। सर आई एम नॉट क्वालिफाइड टू जज योर क्वालिफिकेशन। उन्होंने पोस्टमार्टम किया, रिपोर्ट में आया रेप। लड़कियों की बॉडी से स्वाब निकाला गया था और एक अक्यूज के डीएनए सैंपल के साथ मैच हो गया। अंशु नहरे की बात कर रहा हूँ सर। डीएनए सैंपल मेरे रिपोर्ट में नहीं है सर। वो मैंने पोस्टली चेक करवाया था। I'll submit it to you as soon as possible. It's on our WhatsApp right now. WhatsApp से लिंचिंग हो जाता है, दंगा हो जाता है। सर, ऐसा आरोप है कि आप एससी एसटी के लिए पूर्वाग्रह रखते हैं। Sorry, I didn't get you, sir. You are prejudiced. अपने आते ही अपने ऑफिस में सबकी जाति पूछी। So I was just trying to understand कि 2019 में हम 2000 साल पुराना सिस्टम क्यों फॉलो कर रहे हैं। Reasonable. बट ये एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत क्राइम है, आप भी जानते होंगे। जी सर। ऐसा आरोप है कि आपका इस केस को लेकर पर्सनल एजेंडा है और आप इस लोकल हार्मनी को बिगाड़ना चाहते हैं। ब्राह्मण दलित एकता रैली के बारे में क्या सोचते हैं? अपर कास्ट और लोअर कास्ट एक साथ मिलके स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। आप चाहेंगे कि ये सक्सेसफुल हो? आई डोंट केयर सर, उन लोगों का इस रैली से कोई लेना देना ही नहीं है, कभी होता भी नहीं है। बहुत सीधे से लोग हैं सर, बस नारों के पीछे भीड़ बन के खड़े हो जाते हैं, दैट्स इट। कॉफी? नो थैंक्स सर। ओके अब आप इस केस पर काम करना बंद कर दें अभी से, राइट नाउ। आपको जो भी हमको बताना है अपने डिफेंस में कल बता सकते हैं। थैंक यू। सत्येंद्र की लोकेशन मिल गई है, मिलने जा रहा हूं, उसके बाद काम बंद। आयान, अभी तो शुरू हुए हो तुम। तो
साले अरेस्ट करने हैं? मैं बात कर रहा हूं। चुप मत बोलो। सिर्फ आपको अरेस्ट करना है। सिर्फ बात करने आया हूं मैं। सत्येंद्र, नहीं पता, छोड़ दो हमारे घर पे। सिर्फ बात करने आया हूं। बारह तारीख की रात को अंशु के घर को गया था तू? इसी प्रदेश में आईपीएस ऑफिसर को पीट पीट के मार दिया गया, जानते हो ना? उसकी गली के बाहर सीसीटीवी कैमरा देखा मैंने, जो बैंक में था। सबसे पहले तू गया था, फिर पुलिस की जीप गई थी। क्या हुआ था उस रात को? तुम साले सुपरमैन बनना चाहते हो क्या? चार बजे उठकर कहाँ गया था तू? बच्चू का फोन क्यों आया था तुझे? क्यों भाग रहे हो सत्येंद्र? मैं सस्पेंड हो रहा हूं, उससे पहले जो बन सका करूंगा। तुझे अरेस्ट करना पड़ा, वो भी साली गोली मारनी पड़े, वो भी सुबह 4 बजे। हमें कॉल आया था, अंशु की गाड़ी खराब हो गई थी, बोला जंपर लेके आ जाए। जब हम वहां पहुंचे तो दोनों लड़कियां जस्ट पेड़ पे लटकाई थी। हमें बोला भाग जा कुछ दिन के लिए। बारह तारीख को क्या हुआ था? अंशु के घर पे पार्टी थी, हम भी थे वहां, प्रमदत्त था, नियाल भी, वही थी लड़कियां। एक एक करके स्कूल में जा रहे थे। अंशु ने किया था रे, प्रमदत्त ने किया था, तेरे नियाल सिंह ने भी किया था। हम निकल गए थे वहां से। तीसरी लड़की कहां है? हमें नहीं पता, शायद उस रात तीनों भाग निकली थी। लेकिन आयन, हम गवाही नहीं देंगे। किसी और के सामने पूछोगे ना तो मुकर जाएंगे, बता रहे तुमको। गवाही तो देनी पड़ेगी बेटा। तुम साले सस्पेंड होके निकल जाओगे, हमें मार देंगे यहाँ पे। ऐसा ही चलता है यहाँ पे, ऐसा ही चलेगा। तुम समझ का नहीं थे। जा रहे हो, चाहो तो पीछे से गोली मार दो, खत्म कर दो ना साल। पूजा कहाँ है नियाल से? उनको नहीं पता सर। तुमने भी किया था? वो उस दिन बहुत पिला दिए थे सर, कमदत जी के साथ था, लेकिन गलती तो भी है सर। पाप तो होगा, बहुत बड़ा पाप हुआ है सर। कमदत ने भी किया था रे? हाँ सर। पूजा कहाँ है नियाल से? उस दिन तीन लड़कियाँ थी सर, पूजा कहाँ है निहाल सिंह? माफ कर दीजिए सर, बहुत बड़ा गलती हो गया सर, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सर। उंगली को मत बताना सर। खबर आती है कि रेप बदायूं बुलंदशहर में हुआ है, हमसे कहीं दूर हुआ है। लेकिन दूर कुछ होता नहीं है सर, निहाल तो हमसे 1.5 फीट दूर बैठता था 12 साल।
रामदत्त को अरेस्ट करना चाहते हो जी। लखनऊ से ऑफिसर्स आ गए हैं, सस्पेंशन ऑर्डर लेकर घर बैठे हैं। वो रिसीव कर लिया तो तब नहीं हो पाएगा। उससे पहले सर मैं उनको सर बोल देते हैं कि अरेस्ट ऑर्डर लेकर सीधा घर के पास मिलेगा और वहीं साइन कर दीजिएगा, बाकी हम कर लेंगे सर। हम आलू परवल तो कमाल बनाते हैं, करेला ऐसे बनाते हैं कि आपको तीखा पता ही नहीं चलेगा। और आपको पता है निहाल भैया बोलते हैं कि जैसे हम खीर बनाते हैं ना वैसे हमारी माँ भी नहीं बनाती थी। अब आप बताइए कि आप खाएंगे क्या? अरे मुझे सच में भूख नहीं है। अरे ना भैया को भूख लगती है ना आपको, हम बनाएं किसके लिए? भैया तो सोते भी नहीं हैं। आप भी नहीं सोते क्या? भैया आ गए। I've been reading everything. लगा कि शायद तुम्हें जरूरत है मेरी। बहुत। एक मिनट। अमली। रेप समझती हो बेटा? शानू और ममता को जो भी पेड़ से लटका के मार दिया था ना, निहाल भैया ने भी किया था उनका रेप। उसने खुद बताया मुझे। अब नहीं आएगा निहाल भैया। उसने मना किया था बताने से, पर तुझे कभी ना कभी तो पता चल ही जाता ना। मुझे नहीं पता बच्चे, ये बताने से फर्क पड़ेगा नहीं। तेरे भैया को पता था उसने गलती की है। हम है ना तेरे साथ। रैली का विरोध बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, कुछ दिन गायब होना पड़ेगा। जाने से पहले मिलने का मन है तुमसे, आ सकोगी? आ गया है निशा, अभी पहुंचा। नुखाई, इसे पटना ले जाओ कुछ दिन। खबर आई है फिर से जेल में डालना चाहते हैं हमें। वो तुम्हें थका देंगे निशाद, सबको थका देते हैं। कभी कभी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, पर अब कह नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। हमसे कह सकते हो? कभी कभी लगता है कितना कुछ करना था, बारा
कभी हम भी फूल लेके आते तुम्हारे लिए, पर आसपास इतनी बुरी खबरें थी हर दिन, घर के तुम्हें देख के मुस्कुराते भी थे तो लगता था कि कोई गुनाह कर दिया है, कोई पाप कर दिया है। सलम, जिंदगी का ऐसा नाला नीचे से बह रहा है कि कहीं 5 मिनट नदी में पाँव लटका के नहीं बैठ पाए तुम्हारे साथ, 5 मिनट चांद नहीं देखे हम कभी, 5 मिनट का सुबूत नहीं पड़ा। दफ्तर में बैठा दिया हम साले, झाड़ू लगाना चाहिए था, मेरा टोना चाहिए था। कब तक झाड़ू लगवाइएगा ब्राह्मण जी? ले जाए है, जब भी गौरव निषाद के बारे में बात करती है तो एक अजीब सी चमक होती है उसकी आंखों में। I thought कि शायद मुझ में कुछ नहीं होगा कि तुमने कभी देखा ही नहीं मुझे ऐसे। राइटर बनना चाहता था और साइंटिस्ट भी, फिर सोचा कि शायद साइंस का राइटर बन जाऊंगा, कुछ भी ना हुआ साला, क्योंकि पैदा जहां हुआ था वहां पैदा होना ही एक भयानक एक्सीडेंट जैसा था। सहधर्मियों, जाति कोई भी हो, लेकिन हिंदुओं के एक होने का वक्त है ये, और सही दुश्मन पहचानने का भी वक्त है ये। जितने लोग बॉर्डर पर शहीद होते हैं उससे ज्यादा गटर साफ करते हुए हो जाते हैं, और उनके लिए तो कोई मौन तक नहीं रखता। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, दोनों लड़कियां गलत रास्ते पर थीं।
बहुत समझाया मगर समझी नहीं तो हमने मार दिया। कभी मुझे कुछ हो गया तो आप लोगों को गुस्सा आएगा, उसी गुस्से को हथियार बनाना है, लेकिन उसके अलावा कोई हथियार बीच में नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जिस दिन हम लोग हिंसा के रास्ते पर चले इनके लिए हमें मारना और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों हमारे ही समाज के कुछ युवा और उपद्रवी नेता हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर भ्रम फैला रहे हैं ताकि हमारे गठबंधन को बदनाम किया जा सके, हमें इनसे होशियार रहना होगा। वैसे भी जो आवाज उठाता है उसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया जाता है और फिर खत्म कर दिया जाता है। पाश ने कहा था ना, दरअसल हम सबको देश की ऐसी सुरक्षा से खतरा है। हम आखिरी थोड़े ही थे नौकरी और बहुत आएंगे। हम माफी मांगेंगे बारा, बार बार मांगेंगे, पर तुम माफ मत करना हमें। ये वायलेंस नहीं करना चाहिए था दलितों को। वायलेंस होने लगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उनका ही होगा। कौन कर रहा है वायलेंस सर? नारे तो अपने भी सुने होंगे, जय भीम जय भीम। कभी कभी बाहर दिखने वाले वायलेंस के पीछे ऐसा वायलेंस होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो हमारी सभ्यता का हिस्सा बन जाता है। उसे हम हिंसा नहीं कहते, सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। आप न्यूट्रल नहीं रह पाते है ना? आग लगी हो तो न्यूट्रल रहने का मतलब ये होता है सर कि आप उनके साथ खड़े हैं जो आग लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है आग? सर पिछले 12 घंटे में आपके फोन पर जिस नंबर से लगातार फोन आ रहे हैं वही लगा रहा है आग। I got a call records. आपको और कुछ कहना? अदरवाइज ओपन एंड शट केस है, साफ साफ क्लियर कट ऑनर किलिंग लग रहा है। सर ये तीन लड़कियां अपनी दिहाड़ी में सिर्फ 3 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही थी। 3 रुपए जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं उसके 2 या 3 घूंट के बराबर, बस इतना ही एक्स्ट्रा मांग रही थी, क्योंकि इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया सर। वो संभोग के लिए भी परिपक्व नहीं थी सर, उनका सामूहिक बलात्कार किया गया ताकि उनको उनकी औकात दिखाई जा सके। उनको मार के खेतों में फेंका जा सकता था लेकिन नुमाइश बनाकर पेड़ पे टांग दिया गया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे। I've got the evidence, sir.
सर इस रस्सी से उनके पैर बांधे गए थे, ये क्लॉथ इसे गैग किया गया था, ये बेडशीट के स्टेन्स हैं, अंशु निहार के स्कूल के कमरे से बरामद हुए। सर अंशु ब्रह्मदत्त और निहाल सिंह ने रेप किया। एनीवे सर, आई सबमिट द एडिशनल एविडेंस इन टाइम्स टू कम। आने वाले समय में मैं सभी प्रमाणिक अतिरिक्त अनुलग्नक में सरकार के समक्ष प्रस्तुत करूंगा सर। ये सब मेरे थाने के द्वारा रोका जा सकता था सर, नहीं रोका गया, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इन लोगों के साथ ऐसा ही होता है, ये लोग ऐसे ही हैं, इनका छुआ खाया नहीं जा सकता, इनकी परछाई तक पड़ना अलाउड नहीं है सर। यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट सर, अंग्रेजी में इनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, लेकिन हिंदी में इनकी जातियों के नाम गाली की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं सर। OBC, SC, ST हमारे समाज के 70% लोग हैं सर, इनको मार्जिनलाइज करके माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया, हजारों सालों से चल रहा है सर, और हम 30% लोग इन्हें हमसे नीचा, बहुत नीचा मानकर अपनी सभी उन जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते। हमारे कमोड्स में अब जेट स्प्रे लग गए हैं सर, पर आज भी मैन होल में सफाई के लिए नंगे उतरते हैं, मादरजात नंगे, हम जानते हैं, ये सब देखते हैं रोज, याद नहीं रखते हैं बस। सर दिस इज द 90 पेज, ये मेरी रिपोर्ट है। आई नो आप इसको डस्टबिन में फेंक देंगे, बट दैट्स व्हाई आई सबमिटेड द सेम रिपोर्ट टू द CM एंड द होम सेक्रेटरी मिस्टर शास्त्री। सर मैं IPS ऑफिसर बना था अपने पिताजी की खुशी के लिए, पर आपको तो हिंदी से इतना प्यार है सर, इट्स नॉट इवन योर फर्स्ट लैंग्वेज, आई एम श्योर आप इंडिया से बहुत प्यार करते होंगे। जो बात मुझे 2 दिन में समझ में आ गई, आपको इतने सालों में समझ में कैसे नहीं आई सर? या फिर आपके देश की परिभाषा में ये लोग शामिल ही नहीं है? मिस्टर रंजन, यू विल रिग्रेट फॉर दिस। रिग्रेट? दिल्ली में कभी यस सर की जगह एक बार नो सर आपने बोल दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा सर? हत्या हो जाएगी ना आपकी, हो चुकी है ऑलरेडी, बस आपको पता नहीं है। सर आप बाहर दंगों और इन फाइलों का ख्याल रखिए, मुझे तीसरी लड़की को ढूंढने जाना, हमारा इंतजार कर रही है। आई होप आपको याद है कि आप सस्पेंडेड हो। यहाँ किसी को कुछ याद नहीं है सर, सिवाय अपनी पावर के। मैं पूजा को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा सर, अगर आपको इलीगल लगे मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। वन मोर थिंग सर, लाइफ में हाँ ना की प्रोबेबिलिटी 50-50 की होती है सर, और मुझे लगता है कि हाँ वाला 50 बहुत होता है। संभाल के, संभाल के, तो नहीं है सर, और जंगल में भी सब उम्मीद हार रहे हैं। सर आप जाएंगे सर? कभी ना कभी तो ब्राह्मणों को भी उतरना पड़ेगा ना चंद्रमान जी। कपड़े गंदे हो जाएंगे सर। कपड़ों के लिए कुछ कह गई थी आपकी माई? माई तो कुछ नहीं कहती थी सर, लेकिन TV कहता है कि दाग अच्छे हैं। चलिए सर, जंगल में भी सिपाही हार मान रहे हैं, अगर ताल पार कर लिया होगा तभी थोड़ी उम्मीद है, एक बार पार करके देखते हैं सर जंगल में। वो मिलेगी चार्टर जी। चंद्रमान जी। जी सर। आप जाति से राजपूत है ना? राजपूत जैसा कोई काम तो किया नहीं, कोई काम से तो हम अहीर हैं यादव, किसनजी वाला काम है ना सर, ड्राइविंग। वोट किसको देते हैं, साइकिल को? नहीं सर, माई कह के गई थी कि वोट तो हमेशा फूल को ही देना। जाटव जी आप? वैसे तो हाथी को सर, पर एक बार फूल और हाथी मिल गए थे। तो किसको वोट दिया आपने? साइकिल को दे दिया था सर। सर कभी कभी साइकिल वाले ना SC को टिकट दे देते हैं, और हाथी वाले मुसलमानों को सर बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है। तो क्या करते हैं आप? देते नहीं सर। फिर सर हम तो हमेशा पंजे को ही वोट देते थे, लेकिन सर इस बार मदन लाल को टिकट दिया नहीं, तो सर हमने भी मोमबत्ती पर मोहर लगा दी। शास्त्री है। सर मैं सस्पेंडेड चल रहा हूँ, इन केस यू डोंट नो। आई नो, आई एम लुकिंग इनटू इट। तुम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू है सर। कीचड़ ज्यादा है? लोग भी काफी हैं सर। सर
दूसरी चप्पल मिल गई सर। सर कैन आई प्लीज कॉल यू बैक? ओके कूल। पूजा हम आ गए, पूजा पूजा पुलिस आ गई है, पुलिस है पूजा। सर आगे एक बहुत पुराना पंप हाउस है सर, सालों से बंद पड़ा है। कितना दूर है यहाँ से? सर 2-3 किलोमीटर है सर। जी मुझे एम्बुलेंस चाहिए सड़क पे 5 मिनट में। पूजा के बयान के बाद ब्रह्मदत्त को दोषी पाया गया और उसे 11 साल की सजा हुई। अदालत ने माना कि ननको और महेंद्र ने अपने बयान दबाव में दिए थे। अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। महन जी बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीते, लेकिन मंत्री पद के बंटवारे को लेकर ब्राह्मण दलित एकता खतरे में बताई जाती है। क्या बनाई हो? सब्जी रोटी। सभी को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। अभी ले नन्ना दे। कौन जा तो अम्मा?